एक हफ्ते वेकेशन मनाकर लौटने के बाद एक्साइटेड होकर सूरज चाचू ने अपने घर के दरवाजे खोले और कहा, आओ धरती वासियों, आओ तुम भी कुछ धूप के मज़े ले लो। बहुत थक गए हो मेरे प्रकोप से, चलो आज तुम कुछ धूप सेक लो। तभी सूरज चाचू की मम्मी बोली, एक हफ्ते छुट्टियां मनाकर आया है, चल रजाई ओढ़ दरवाजे बंद कर और घर में घुसकर आराम कर ले। सूरज चाचू डर गए अपनी माँ की बात से और दरवाजे बंद हो गए उनके द्वार के। वापस से बदली यहाँ छाई है, सबके चेहरों पर से रौनक खो गई, उदासी सबके चेहरे पर आई है, क्योंकि सर्दी ने फिर से दे दी है दस्तक, ठंडी ठंडी हवा चलकर आई है। वहीं बच्चों की हो गई है बल्ले बल्ले, बच्चे कहते हैं, सूरज चाचू आप निकले थे आज, अब वापस रजाई में आप निकल लें, सो जाइए आप एक दो दिन और, ताकि हम कल भी मना लें संडे, मंडे को भी हो जाए हमारा फंडे, बढ़ जाए हमारी वेकेशन एक दो दिन और, ताकि हम भी मना लें थोड़ी सी बल्ले बल्ले। लोगों के चेहरे पर उदासी यूं छाई है, सूरज चाचू देखकर कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन उनके चेहरे पर नज़र आई है। एक पल वो खोलते हैं दरवाज़ा, झाँक कर भागते हैं रजाई में, कहते हैं, माँ की सुनो या दुनिया वालों की, ये टेंशन आज मेरे सर पर भी आई है। कैसा है ये टेंशन का दौर, जो सूरज चाचू भी कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं, निकलूं कि ना निकलूं, ऐ दुनिया वालों, तुमने तो बड़ी जंजाल में मुझे डाला है, अब बताओ मैं क्या करूं। बच्चे कहते हैं, तुम मत आना बाहर, और कुछ लोग कहते हैं, आ जाओ ताकि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सूरज चाचू सुन रहे हैं सबकी, एक झलक वो दिखलाते हैं आकर, ताकि बड़ों की इच्छा पूरी हो जाए।